नमस्कार बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने घातांक और घात को सीखा और घातांकों के नियमों को भी समझा। आज के क्लास में हम लोग घातांकों के नियमों का अनुप्रयोग करेंगे तथा प्रश्नावली 5.2 और प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उन्हें घातांकीय रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो प्रश्न पहला हम लोग लेते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है 2 पर घातांक 3 है, यहाँ 2 पर घातांक 4 है और गुना 2 पर घातांक 8 है, तो इसको हमको हल करना है। पहला नियम है, यहाँ देख रहे हैं हम लोग, इसी पर आधारित है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि आधार हम ले लेते हैं और उनके घातांकों को जोड़ देते हैं। यहाँ घातांक कितना है, 3 जोड़ 4 जोड़ 8, यहाँ देख रहे हैं घातांक 3, 4 और 8, इस तरह से हो जाएगा 2 पावर 15। इसी तरह ये दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग, यहाँ है कि इसको हल करना है। यहाँ देख रहे हैं 7 आधार है, उसका घटांक 15 है और उसको भाग देना है 7, उसका घटांक 10 है। नियम यहाँ देख रहे हैं, भाग का जो नियम है घटांकों का, कि आधार हम लोग वही ले लेते हैं और इसके घटांकों को घटाते हैं, बड़ा में से छोटे को घटा देते हैं। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5, यही उत्तर है। तो हम लोगों ने इस नियम का प्रयोग करके ये उत्तर प्राप्त किया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम एक प्रश्न ले रहे हैं, 4 नंबर है। हम लोगों ने एक नियम देखा था यहाँ पर, ये क्या है कि एक घात की घात है, उसी पर आधारित प्रश्न है। यहाँ देख रहे हैं कि 7 आधार है, उसके ऊपर एक घातांक कितना है, 2, और पूरे घात पर भी एक और घातांक है, मतलब एक घात की घात पर एक आधारित प्रश्न है। इसको हम लोग क्या किए थे कि आधार वही लिख लेते हैं और घातांकों को गुना कर देते हैं। यहाँ हम वही करेंगे, यहाँ हम ले लेते हैं आधार कितना, 7 ले लेते हैं और इनका जो घातांक है इन दोनों को गुना कर देते हैं। फिर हमारा एक और है, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि क्या हो जाता है, इसको गुना करते हैं तो 6 होगा और यहाँ फिर इसी नियम के अनुसार हम आधार लेकर दोनों घातांकों को जोड़ देते हैं। इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा 7 का घातांक 9। अब हम प्रश्न संख्या 2 के दूसरे नंबर प्रश्न पर देखते हैं। यहाँ क्या है, 625 को भाग देना है 5 का घातांक 4 से। तो हम इसको देखते हैं, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 625 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और नीचे में जो है
इसको भी हम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। पांच को हम लोग चार बार गुना करेंगे। इस तरह से देख रहे हैं कि 625 को हम लोग इस तरह से लिखे और इसको भी विस्तारित रूप में इस तरह से लिखे, तो देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में कट जा रहे हैं। तो हमारा क्या हो जा रहा है, ये चार वन आ जा रहा है। इसको अगर हम घटाकों के नियम के अनुसार देखें तो यहाँ हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 5 का पावर 4, 5 का घटांक 4, और नीचे में भी वही है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। देख रहे हैं 625 को यहाँ हम लोग घातांकीय रूप में लिख दिए हैं। तो जब भाग है तो भाग में हम लोग इस नियम का प्रयोग किए हैं, क्या करते हैं घातांकों को घटा देते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने घातांकों को घटा दिया, हमारा घातांक कितना आ गया 0। और हम देख रहे हैं इस नियम को कि किसी भी आधार पर अगर घातांक 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, 2 का 4 है प्रश्न संख्या। इसमें देख रहे हैं कि इस प्रश्न में हम घातांक के ये दो नियमों का अनुपालन करेंगे, इस तरह से उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ गुना है घातांकों के गुणन और यहाँ घातांकों के विभाजन, तो संबंधित जो नियम है उसके आधार पर इसको हम हल करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आधार हम लोग विभाजन में आधार वही ले लेते हैं और घातांकों को घटा देते हैं और गुणन में हम लोग घातांकों को जोड़ देते हैं। इस तरह से कितना हो जाएगा, 1 के अनुसार इसका उत्तर इतना आएगा। इसको हम विस्तारित रूप में करके देखते हैं। तो पहले इसको हल करते हैं, यहाँ 1 का पावर 6 है और बटे 1 का पावर 3 है, तो ये इसका हल हो जाएगा इतना। अब उन्हें 1 का पावर 4 है, तो यहाँ हो गया 1 का पावर 3 और उन्हें 1 का पावर 4, इस तरह से 1 का पावर 4। तो काफ़ी आसान है, नियम पर आधारित हम हल करते हैं। तो इसको हम विस्तारित रूप से भी करके देखते हैं कि क्या होता है। हम लोग नियमों का अनुप्रयोग करके इसका हल निकाल चुके हैं, अब हम इसको विस्तारित रूप से करके निकालते हैं। तो ये 1 पावर 6 है, तो हम जानते हैं कि होगा ये 3 जो है ये 3 से कट जा रहा है। तो हमारे पास कितना बच जा रहा है गुना में, तो हमारे पास इसको हम देख सकते हैं 7। हमें विस्तारित रूप से करके देखे और फार्मूला के आधार पर करके देखे थे तो हम लोग आसानी से कर लिए थे। तो अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि 1000 के आधार पर 0 घातांक है। तो हम लोगों ने इस नियम को देखा है कि किसी भी आधार पर अगर घातांक 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1। तो इस तरह से इसका मान कितना हो गया, हम करके देखते हैं, इस तरह से करते हैं, तो इसका भी मान हो गया 1 और नीचे भी इसका मान हो गया 1। इस तरह से हम लोग उत्तर मिलेगा 1। तो यहाँ पर इस नियम का भी अनुप्रयोग हुआ। 3 नंबर प्रश्न में हमें इसे घातांकीय रूप में लिखना है, तो हम इसको करके देखते हैं। यहाँ क्या है, 6
625 इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब इसको हम घातांकीय रूप में देते हैं, यहाँ आधार कितना लेंगे 5 और फिर घातांक कितना होगा 1, 2, 3, 4। इसी तरह यहाँ घातांक कितना लेंगे 3, आधार भी यहाँ 3 होगा। इस तरह से ये हमारा घातांकीय रूप में हल हुआ। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न ये हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ घातांक 6 है तो 6 बार 3 को गुणन किए हैं, यहाँ 5 है घातांक 5 है तो 5 बार गुणा हुआ है। इसी तरह हम इसको यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से। अब हम देखते हैं कि नीचे में जो 2, 3 है ये कट गया, और जो टी है ये भी इतना कट गया, और पी भी इतना कट गया, तो हमारे पास शेष कितना बचा, हमारे पास इतना बच गया। इसको हम घातांकीय रूप में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 3 × t हमारे, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 5.6 की ओर। बच्चों हम लोग प्रश्नावली 5.3 को हल करने के पहले दशमलव संख्या पद्धति पर चर्चा करेंगे, साथ ही बड़ी संख्याओं को मानक रूप में कैसे व्यक्त करना है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं दशमलव संख्या पद्धति। एक संख्या लेते हैं हम लोग, संख्या है 6785। इस संख्या को हम दशमलव में बदलते हैं, तो हम इस संख्या को दशमलव के रूप में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने दशमलव पर चर्चा किया है, तो इस तरह से हम इसको दशमलव में बदल सकते हैं। तो अब इसको हम घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ 10 का घातांक कितना हो जाएगा 3। इस तरह से हम लोग इसको घातांकीय रूप में लिख सकते हैं। एक और संख्या लेते हैं हम लोग, इस संख्या को हमको घातांकीय दशमलव घातांकीय रूप में लिखना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि बड़ी संख्याओं को मानक के रूप में व्यक्त करना इससे आसान हो जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना केजी है, देख रहे हैं काफ़ी बड़ी संख्या है, तो ऐसी बड़ी संख्याओं को सुविधापूर्वक लिखने के लिए हम लोग 10 के आधार वाले घातांकीय रूप में लिखते हैं। तो उसको हम लोग इस रूप में लिखते हैं। इसी तरह हम लोग सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य से पृथ्वी की दूरी आदि को भी इसी मानक रूप में प्रयोग करते हैं। इतनी बड़ी संख्या को घातांकीय रूप में जो हम लोग लिखते हैं इसी को हम लोग मानक मानते हैं, तो इससे हमें संख्या को दिखाने में सहूलियत होती है। तो चलिए हम लोग अब 5.3 के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 5.3 प्रश्न संख्या 1, उसमें 4 नंबर प्रश्न को हम प्रसारित रूप में लिखते हैं। इसका हम लोग पूर्वी क्लास में
हम लोग प्रसारित रूप में लिखना सीखे हैं, इसको यहाँ छ का स्थानीय नाम क्या है इसको हम इस रूप में देखते हैं। ये हो जाएगा एक, यहाँ सात को लिखेंगे ये हो जाएगा, और यहाँ चार, यहाँ पांच, यहाँ तीन, इस तरह से हमारा संख्या प्राप्त होता है। यहाँ देख रहे हैं हम लोग, इसी को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। एक दो तीन चार हो जाएगा घटांक के रूप में। फिर क्या है हमारा 7000 है, 7 × 10 का पावर 3 हो जाएगा, एक दो 400 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 10 = 2 हमारे पास 5 है, तो 5 × 10 का पावर 1, और फिर लास्ट हमारा 3 है, 3 × 10 का पावर 0। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सारे रूप में हम लोगों ने लिखा। अब अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है, प्रसारित रूप के लिए एक संख्या लिखना है। तो हम एक प्रश्न यहाँ ले रहे हैं कि क्या है, इसी को हम प्रसारित रूप में जो लिखे हैं इसके लिए हम एक संख्या लिखेंगे। तो देखते हैं पर इसको, इसको हम पूरा संख्या को विस्तारित रूप को लिखते हैं कितना है संख्या। इसका मतलब होगा 4 है तो ये संख्या 70000। फिर यहाँ है 3, इसका होगा 300 होगा इसके पीछे, इस तरह से होगा। यहाँ देखेंगे तो इसके पीछे 200 होगा, और यहाँ 3, इसके पीछे 100 होगा, और यहाँ 2, 10 का पावर जो 0 है, ये घातांक 0 है, इसका मान होता है 1, तो 2 × 1 कितना होगा 2। तो इस तरह से हमारे पास जो संख्या प्राप्त होती है वो है 7 3 8 3 2। तो इसी तरह अन्य प्रश्नों को भी आप हल कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो है उसके दूसरे प्रश्न को लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक संख्या दिया हुआ है, इसी को हमको मानक रूप में लिखना है। तो हम इसको क्या करते हैं, मानक रूप में लिखते हैं, तो इसको घातांकीय रूप इसका बनाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 10 और कितना है तो यहाँ पर 9। तो इस संख्या को हम मानक रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। एक और प्रश्न है, पहला नंबर जो है इसको देखते हैं, दशमलव में है 7867.9 या 7867.9, इसको हम कैसे मानक रूप में लिखते हैं। तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं, दशमलव को आगे बढ़ा देते हैं बाईं ओर, तो जब बाईं ओर जाती है तो हम लोग इसमें गुना करते हैं, देखते हैं कितने गुना करते हैं 6, 7, 9। यहाँ 3 अंक आगे जा रहा है दशमलव, हम इसको 1000 से गुना करते हैं। इस संख्या को हम इस तरह से लिख दिए। अब हम आगे लिख सकते हैं इसको 7.8679 × 10³। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 और 5 पर। इसमें क्या कहता है, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। तो यहाँ बॉक्स में दी गई सूचनाएं जो है, तो क्या इधर में ग्रह का नाम है और इधर में उसका द्रव्यमान दिया हुआ है। इसको पहले मानक रूप में प्रदर्शित करना है और उसके बाद इस द्रव्यमानों को
अब वही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हम लोग सारे ग्रहों के द्रव्यमान को मानक रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्या होगा, 23 हाँ देख रहे हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21, 23 उसी तरह हम इस संख्या को भी मानक रूप में कैसे लिखेंगे, तो 4.8 ले लेंगे, 7 और 10 की पावर कितना होगा, यहाँ भी 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21 और यहाँ पर 3, 24 इसको हम इस तरह से मानक रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब सारे ग्रहों के द्रव्यमान को मानक रूप में लिख लेने के बाद हम लोग इसको अवरोही क्रम में सजा देंगे। इसी तरह से हमारा प्रश्न संख्या 5 भी है, जिसमें विश्व के मरुस्थल का क्षेत्रफल दिया गया है, उसको हमको मानक रूप में लिख कर उनको आरोही क्रम में सजाना है। तो आप लोग प्रश्नावली 5.2 और 5.3 के शेष प्रश्नों को हल कर लेंगे। धन्यवाद।